ग्यारह नंबर सवाल है, कह रहे हैं एक मीनार के आधार से दोनों तरफ 100 मीटर और 25 मीटर दूर, एक मीनार हो गई या आधार हो गया इसके दोनों ओर ही, दोनों तरफ 100 मीटर और 25 मीटर दूर, 100 मीटर यहाँ पे देख लेते हैं, 100 मीटर लगना चाहिए, 25 मीटर थोड़ा छोटा रख लेते हैं, 25 मीटर लगना चाहिए दोनों तरफ 100 और 25 मीटर की दूरी पर। अब इसको मिला लेते हैं क्योंकि अपना कोई ना कोई त्रिभुज तो बनाना ही है, बिना बनाए कोई काम तो चलेगा नहीं, हो गया ठीक है। इधर नाम लिख देते हैं ए, इधर नाम लिख देते हैं बी, यहाँ पे लिख देते हैं सी, यहाँ पे लिख देते हैं डी। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि दो बिंदु ए और बी एक सीधी रेखा में, ए बी सही लिखा है भैया हमने, और कहा गया है यदि, कहाँ चला गया, मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटपूरक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार के कोण, मीनार जो मीनार के शिखर के जो कोण है ये आपस में क्या है, कोटपूरक है, ऊपर वाले शिखर कहते, जो ऊपर वाला हिस्सा रहा था वह शिखर कहते, नीचे वाले के पाद कहा जाते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो लंबाई दिखाई दे रही है ये अपनी मीनार हो गई है, इसको हम एच मीटर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 100 है और यहाँ से यहाँ तक 25 है। यहाँ वाला जो कोण बना है उस कोण के बारे में थोड़ा समझाना है हमें, क्योंकि वही सबसे खतरनाक चीज़ है। तो पहले बात तो ऐसे लिख लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, यही अपना ऊंचाई, तो ये जो सी डी है भैया एच मीटर मान लिया। अब देखो भैया एसी बराबर हमको दिया है 100 मीटर दिया है, और हाँ जी सी बी बराबर आपका 25 मीटर दिया गया है। अब यहाँ पे जो कोण ए है मान लेते हैं, माना कोण ए बराबर कितना है, थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे थीटा मानेंगे। थीटा क्यों मानेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे पता नहीं है, कहा गया है कि दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के कोटपूरक है। कोटपूरक का मतलब होता है दोनों कोणों का योगफल कितना 90 अंश होना चाहिए, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। ये नहीं यार ऐसा कभी नहीं होता, थीटा थीटा होता है भैया, कोई 90 नहीं होता है। तो ये वाला थीटा हो गया, दूसरका वाले कोण बी की बात करेंगे तब अपना जो कोण बी होगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यही होता है कोटिपूरक को दिखाने का तरीका। हाँ जी, यह ऐसा नहीं, यह घट चुका है, यह घट चुका है अपने आपे का, जितना दिखाई दे रहा है घटा हुआ है। हाँ जी ऐसे ही लिखा ही जाता है। ओके समझ में आ गया, अभी तर पे आ जाते हैं। त्रिभुज का नाम क्या है, ए सी डी, ध्यान से ए सी डी, ए सी डी में अब आपको आधार दिया है, क्या निकालना है, लंब, तो आपको क्या चाहिए, टैन चाहिए, तो आपको लिखना चाहिए टैन, और क्या लिखना चाहिए थीटा, क्योंकि इसके साथ थीटा कोण है तो थीटा ही लिखना चाहिए। लंब कितना है, सी डी है, आधार कितना है, ए सी है। अब टैन थीटा की कोई वैल्यू होती नहीं है, कहोगे टैन 90 मान इनफाइनाइट हो तो वैसे नहीं है, क्योंकि थीटा कोई मान थोड़ी ना है, जब यहाँ पे 30 45 60 90 कुछ दिया तब कुछ रखा जाता है, ऐसे कुछ नहीं रखा जाता, बस ऐसे टैन थीटा लिख दिया जाता है ठीक है। और सी डी का मान तो आपने यच कहा ही था, इसके बराबर 100 आपने कहा ही था, मैं बस इसको समीकरण नंबर एक कह दूँगा। अब उस वाले चित्र में चलते हैं, उस चित्र में त्रिभुज का नाम क्या है, बी सी डी में फिर से टैन लगाएंगे, क्योंकि लंब और आधार के मामला है, यहाँ पे लंब दिया यहाँ पे आधार दिया, पास नहीं दोनों का मामला है, तो हम लगाने वाले हैं टैन। कोण कितना है भैया वहाँ पे, 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा ही लिखेंगे। और लंब कितना है, सी डी है, आधार कितना है, बी सी है, सी बी है, बी सी है, तो टैन 90 माइनस थीटा बराबर कुछ होता है क्या,
क्या बात करते हैं आपको पढ़ाया गया था एक चीज, क्या पढ़ाया गया था भैया? पढ़ाया गया था साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर ओहो याद आ गया, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़ाया गया था? कॉट थीटा पढ़ाया गया था, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़ाया गया था? जा बात है आपको पता चल गया, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है, तो होता है भैया क्या? कॉट थीटा। ये सी डी अपना क्या है? सी डी एच है, निचला क्या है? 25 है। अच्छा एक चीज, एक चीज़ बताओ भैया, कॉट बराबर कुछ और होता है क्या? पहले बात तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, साइन बटे कॉट, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे हमने यूज़ किया है टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, ये हमने यूज़ किया है, ठीक है। वो आगे लिख लेना साथ में, जब आप लिखने लगना अपने कॉपी में तभी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ये लिखा है उसके सामने आप पन्ना ना बचाया करें। पन्ना बचाते हैं ये लोग बगल बगल इधर वाला लिख करके जैसे हमने लिखा है, लेकिन पन्ना बर्बाद कहाँ करते हैं? लाइनें छोड़ करके। खैर जाने दें उन बातों को। अच्छा कॉट थीटा बराबर आपने पढ़ा था शायद एक बटे टैन होता है, पढ़ा था, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि कॉट थीटा बराबर होता है एक बटे टैन थीटा, तो वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। एक चीज़ कर लेते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, एक के बतिया होती है कौन तकलीफ, समीकरण नंबर दो। अच्छा दोनों में टैन एक मान निकला है ना, तो हम ऐसा लिखेंगे समीकरण एक व दो से, नहीं कुछ नहीं करने पर, बस देखने पर टैन बराबर ये भी है, टैन बराबर ये भी है, तो ये दोनों जब टैन टैन एक ही चीज़ होती है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होने चाहिए, यानी कि h बटे 100 बराबर हो जाएगा 25 बटे 100 ना, ये 100 लिखा है ना, तब वो 100 बोला है ना भैया, हाँ तो ये चीज़ें लिखा जाएगी नहीं, हाँ h और h का गुणा हो जाएगा 25 और 100 का गुणा, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 25 सौ का वर्गमूल कितना होता है? हाँ 75 होता है, कहाँ लिखी है, h बराबर 50 मिल जाएगा, मीनार की ऊंचाई 50 आ जाएगी, इसका वर्गमूल निकाल लेना आप, ठीक है।